मौसम आया कि हम निकले थे दो कदम, इतने में सनम तुम हो। हिंदुस्तान के सिल्वर स्क्रीन के सबसे हैंडसम हीरो का खिताब पाने वाले संजय खान ने सन 1964 में चेतन आनंद की फिल्म हकीकत से अपना फिल्मी सफर शुरू किया। बाद में उन्हें मिली राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म दोस्ती, जिसमें उनके अभिनय को बहुत सराहा गया। 60 के दशक से 90 के दशक तक संजय खान ने बहुत सी सुपरहिट फिल्मों में बतौर हीरो हिंदुस्तान की सारी बड़ी हीरोइंस के साथ काम किया। लेकिन फिल्म एक फूल दो माली में उनके किरदार ने ऑडियंस के दिल में एक अलग जगह बना ली। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। और 1977 में संजय खान ने फिल्म चांदी सोना को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया। फिर 1980 में फिल्म अब्दुल्ला बनाई। मैंने ये हिजाब तेरा ढूंढा, हर जगह शमाब तेरा ढूंढा, गलियों से मिसाल तेरे पूछी, फूलों में जवाब तेरा ढूंढा। फिल्म अब्दुल्ला में संजय खान ने राज कपूर को कास्ट किया था और राज कपूर ने कहा था ये किरदार उनके दिल के बहुत करीब है। काला धंधा गोरे लोग फिल्म से उन्होंने देश की पीढ़ी को ये बताया कि ड्रग्स का इस्तेमाल कैसे देश को बर्बाद कर सकता है। देश की बर्बादी के सौदागर, मैं तुम्हारे ये हाथ काट दूंगा जो कानून के खून से रंगे हैं। पुलिस के गुलाम, कानून के पिट्ठू, बहुत पुरानी दुश्मनी है मेरी पुलिस से। मुझे भी तुम जैसे लोगों से बहुत पुराना हिसाब चुकाना है। इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सीरियल द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान को लॉन्च किया। पहले ही एपिसोड की शूटिंग के दौरान सेट पर आग लग गई। 52 लोगों ने अपनी जान गंवाई, सिर्फ 4 बचे, जिसमें एक संजय खान भी थे। अपने साथियों और यूनिट को बचाने के लिए स्टूडियो के बाहर से अंदर बिना अपनी जान की परवाह किए कूद पड़े और भयानक आग की चपेट में आ गए, जिससे उनके शरीर का 64% हिस्सा थर्ड डिग्री बर्न से झुलस गया। 8 महीने मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल में रहने के बाद संजय खान को अमेरिका के जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल वाशिंगटन में दाखिल किया गया। 5 महीने उनकी बीवी और बच्चों ने उन्हें इस मुश्किल घड़ी से गुजरने का हौसला दिया। संजय खान बेताबी से शूटिंग पर जाने का इंतजार कर रहे थे। एक्सीडेंट के 13 महीने बाद ही वो राजस्थान पहुंचे, जहां उनकी यूनिट उनका इंतजार कर रही थी। 50 डिग्री तपती धूप में टीपू सुल्तान के भारी लिबास में घोड़े पर सवार होकर डॉक्टर्स की देखरेख में ऐसे कई एक्शन सीन्स को अंजाम दिया। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी मशरक से मगरिब तक, शमाल से जनूब तक, जमीन से आसमान तक सारी कायनात देकर भी हिंदुस्तान की खाक का एक जर्रा मांगे तो हम इनकार कर देंगे। 7 समंदर पार से आने वाली कौम की दोस्ती से हमें अपने पड़ोसियों की दुश्मनी ज्यादा प्यारी है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से पंजाब तक, इस सरजमीन पर पड़ने वाला किसी अंग्रेज का कलम टीपू की छाती पर पड़ता है। सोल्ड अप टीपू सुल्तान की कामयाबी के बाद संजय खान ने एक और ऐतिहासिक सीरियल द ग्रेट मराठा भी बनाया। फिर जय हनुमान, 1857 क्रांति, महारथी कर्ण और महाभारत जैसे शानदार सीरियल एक के बाद एक बनाकर दर्शकों में हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति का प्रचार किया।
इस जज्बे के लिए संजय खान को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया है। सन 2000 में उन्होंने बेंगलोर में एक 5-स्टार होटल द गोल्डन पाम्स का निर्माण किया। 27 जुलाई 2003 बेंगलोर के पास भागलकोट में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में बचकर उन्होंने एक बार फिर मौत को शिकस्त दी। जिंदगी के हर दौर और उतार चढ़ाव के बावजूद भी संजय खान बहुत व्यस्त रहते हैं। अपने नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग में, चाहे बेंगलोर का हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हो या सेवन सिटीज थीम पार्क जो हिंदुस्तान की 5000 साल की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास को प्रस्तुत करेगा। एक किताब अस्सलाम वालेकुम को भी वो लिख रहे हैं, जिसका मोटिव देश सेवा और भारतीय मुसलमानों में जागृति है। एक सेकुलर और बुलंद किरदार शख्सियत होने के साथ वो अपने परिवार के लिए एक प्रेरणा है, एक अच्छे पति, आदर्श पिता, दादा और नाना भी। तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, बोलने से फरिश्ते। संजय खान दोस्तों के दोस्त थे, बड़े दिल वाले, खुशियों और शांति में विश्वास रखने वाले। अपनी जिंदगी को जीतकर जीने की एक जिंदा मिसाल है।